तो आज हम सीखेंगे ब्यूटीफुल सा पजामा बनाना। तो हेलो फ्रेंड्स, लतुआरे फैशन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने देख लिया, मैं सिखाने वाली हूँ आपको ये बेबी पजामा, जिसे हम अफगानी पजामा बोल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए, और ये कितने के लिए बना रही हूँ, कितनी एज के लिए बना रही हूँ, तो इसको मैं बना रही हूँ 6 मंथ से लेके 1.5 साल तक के बच्चे को। तो इसके लिए मैंने चौड़ाई में जो कपड़ा है, 4 लेयर में मेरा 12 इंच है और लेंथ है मेरी 18 इंच, ठीक है। 4 लेयर में मैंने बिछाया हुआ है और मेरे पास अलग अलग पीसेस थे ये, तो 4 लेयर मैंने अलग अलग पीसेस की रखी है। आप ऑन फोल्ड पे भी रख सकती हो। सबसे पहले मैंने यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच रखा है इलास्टिक के लिए, उसके बाद साइड में मैंने रखा है 1/2 इंच सिलाई के लिए। अब यहाँ से हम लेंगे राउंड हिप, तो हिप मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच, क्योंकि इलास्टिक भी हमारा डलेगा। और यहाँ से लेंगे हम आसन क्रॉचेरिया, तो उसको हम भी मैं 7.5 इंच ही ले रही हूँ, ठीक है, इतना हमने लेना है। और यहाँ से हमने 1.5 इंच आगे को लेना है आसन के लिए, और इसको सीधा नीचे मिला लेना है, ठीक है, बॉटम पार्ट में सीधा मिला लेना है। तो यहाँ से मैंने आसन की गोलाई भी दे दी है, और इस तरह से आसन की गोलाई देते हुए इसको कट कर लेना है। नीचे से हमने जैसा है वैसे ही रहने देना है। मेरा थोड़ा सा कपड़ा बड़ा हुआ था, उसको मैंने बराबर किया नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, एक फ्रंट का पार्ट है, एक बैक का पार्ट है। तो अब सबसे पहले जो मेरे खुले वाला पार्ट है साइड से, वहां से मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। अगर देखिए, ये अगर आपका 4 लेयर में कपड़ा है, फोल्डेड कपड़ा है, तो आपको ये सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फोल्डेड में नहीं है, तो फिर आपको इस तरह से पीस अगर आपके पास होंगे तो भी आप बना सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप खुला भी रख सकते हो। तो यहां से देखिए मैंने साइड से सिलाइयां लगा ली है। अब हमने ओवरलैप करके इसको इस तरह से रखना है, राइट साइड हमारी रहेगी अंदर की तरफ को, रॉन्ग साइड रहेगी बाहर की तरफ को। और दोनों तरफ से हमने आसन की सिलाइयां लगा लेनी है, फ्रंट में और बैक में भी, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ मैंने सिलाइयां लगा ली है। अब आसन से आसन मिलाएंगे, ये देखिए, तो फ्रंट का पार्ट हो गया और एक बैक का पार्ट हो गया। अब आ जाइए मोहरी पे नीचे, तो मोहरी पे हम डालेंगे प्लीट्स। तो प्लीट्स हम डालेंगे इस तरह से, गैदरिंग करेंगे। गैदरिंग करनी होगी तो गैदरिंग कर सकते हो, प्लीट्स डालनी होगी तो प्लीट्स डाल सकते हो, बट प्लीट्स डालने से ये बहुत ब्रिटी दिखता है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी प्लीट्स यहाँ पे डालूंगी, ठीक है। और प्लीट्स डाल के हमारे पास लगभग 11 इंच कपड़ा बचना चाहिए, 11 इंच आपकी मोरी बचनी चाहिए सिंगल में, जो फिर ऑनफोल्ड भी आपकी 5.5 इंच हो जाएगी। तो दोनों तरफ मैंने देखिए प्लीट्स यहाँ पे डाल ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 11 इंच बचा है। अगर 11 इंच आपका कपड़ा बचा है तो आपको 12 इंच की पट्टियां कट कर लेनी है, दो जो हमारी नीचे बॉटम पे लगेगी, और बाकी इनकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है, और लंबाई मैंने 12 इंच रखी है। दो पट्टियां आपको लेनी है दोनों मोरी के लिए, ठीक है। अब इनको मेरा एक्स्ट्रा बढ़ रहा था तो मैंने कट कर लिया, 12 इंच ही रखा है मैंने साइड से मार्जिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए ये मेरी रॉन्ग साइड है और ये मेरी राइट साइड है, ऊपर की तरफ को मेरी राइट साइड है, और पट्टी मैंने रॉन्ग साइड की तरफ को रखी है। तो इस पट्टी को हम बाद में पलट के ऊपर की तरफ को लगाएंगे, तो इस तरह से आपने लगानी है। ये राइट साइड की तरफ से मैं सिलाई लगा रही हूँ, जो मेरी सलवार की मोहरी है, पजामे की मोहरी है। अब दूसरे में भी हम सेम तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे, तो मैंने देखिए यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से खोलेंगे और 1/2 इंच अंदर दबाते हुए जो मार्जिन है वो हमारा अंदर चला जाएगा, और इसके ऊपर हमने सिलाई चला देनी है। तो देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन काम आपको करना है, और इस तरह के पजामे बेबी के लिए बहुत ही सुंदर लगते हैं, खासकर गर्लीस को बहुत प्रिटी लगते हैं। जब बेबी चलती है ना तो बहुत प्रिटी दिखती है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे मोहरी भी लगा ली है, इसकी जो पट्टी है वो हमने अटैच कर ली है। अब हमने इसकी सिलाई लगानी है, तो 5 इंच आप रखिएगा, बाकी 1/2 इंच हमारा मार्जिन बच जाएगा। तो यहाँ से मोरी से आपको ऊपर आसन तक सिलाई लगानी है, क्रॉचेरिया तक, और उसके बाद फिर से वापिस से क्रॉचेरिया से वापिस हो जाना है और दूसरी मोरी में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने जो ऊपर इलास्टिक के लिए रखा था 1.5 इंच, उसको फोल्ड करना है। देखिए 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा, 1 इंच हमारा इलास्टिक के लिए बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने मोड़ लेना है कपड़े को, तो मैंने मोड़ लिया है देखिए, और मेरा ये इलास्टिक है, इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने रखी है यहाँ पे 15 इंच, और इसको मैं सेफ्टी पिन की सहायता से अंदर इंसर्ट कर लूंगी। थोड़ा सा पार्ट हमने नेफे का खुला रखना है ताकि वहां से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर सके। तो
तो ये मैं हर बार आपको बता देती हूँ। अब हम जो इलास्टिक है उसको ज्वाइन कर लेंगे आपस में, तो और इसको थोड़ा सा पुल करेंगे, खींचेंगे। अब इसको मैं टर्न कर दूंगी राइट साइड की तरफ को और इसको अच्छे से आयरन कर लीजिए। और हाँ, इससे पहले आपको जो भी खुला पार्ट हमने रखा था उसको सिलाई लगा लीजिए, जो हमारा नेफे का खुला पार्ट था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद हमारा जो पजामा है कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाती रहती हूँ। आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कुछ और सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमें ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो इसको मैं फोल्ड करके भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो कितना ईजी है, सिर्फ 6 मिनट की वीडियो में आप ये पजामा सीख गए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।